कोरोना वायरस का कहर मौत बनकर टूट रहा है। ऐसी तस्वीरें या वीडियो दिखाकर आपका दिल दहल सकता है। यह तस्वीरें या वीडियो दिखाकर हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि आप डर जाएं, बल्कि आप सतर्क हो जाएं। इसलिए यह तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लाशों के संस्कार के लिए जिले के चौहानी शमशान घाट को अधिकृत किया गया है। हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ जो देखा है अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह दृश्य देखकर पसीने छूट सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव पन्नी में पैक हैं, तो वहीं शव वाहन में कीड़े मकोड़ों की तरह बह रखे जा रहे हैं। अंतिम संस्कार का आलम यह है कि लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चौहानी शमशान घाट के रजिस्टर मरने वालों की दास्ता बयां कर रहे हैं और सरकारी आंकड़ों की सच्चाई से भी पर्दा उठा रहे हैं। चौहानी शमशान घाट में प्रतिदिन पॉजिटिव मरने वालों के आंकड़े जो हैं वह 30 से 40 हैं और जहां सरकारी आंकड़े 5 से 7 ही हैं, यानी सरकारी आंकड़े तो गलत जानकारी दे रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए, जब लाशों के अंतिम संस्कार के लिए भी लाइनें लगाकर इंतजार करना हो तो फिर हालात कैसे होंगे। लाशें जल रही हैं और लोग अपने परिचितों की लाश लेकर बैठे भी दिखाई दे रहे हैं। हमारा चैनल आपसे अपील करता है कि अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि स्थिति अब बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। महामारी की जकड़न में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं, तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। शर्मनाक बात यह सामने आई है कि मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए जहां 3,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, तो 100 रुपये अतिरिक्त मृतकों के परिजनों से चाय पानी के लिए मांगे जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मौजूद नगर निगम और शमशान घाट के जिम्मेदारों से बात की तो वह लड़ने पर उतारू हो गए। उनका कहना है कि उनका जो काम है वह कर रहे हैं। सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है, मरने के बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल इतना जरूर तय माना जा रहा है कि स्थिति बेकाबू होती हुई साफ समझ में आती है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी निर्वाह नहीं कर रहे और आम लोग काल के गाल में समा रहे हैं। मैं चौहानी शमशान घाट मुक्ति धाम में खड़ा हूं। सुबह 6 बजे मैं मेडिकल पहुंचा हूं। रात में हमारे नियरेस्ट रिलेटिव की मृत्यु हो गई थी। बॉडी के लिए सुबह 6 बजे हम लोग पहुंचे मुक्ति धाम, वहां पर मेडिकल में, वहां से बॉडी हम लोग को 11:30 बजे हैंड ओवर की गई। उस गाड़ी द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो अभी विगत लगभग 3 बज रहा होगा समय, 3 बजे तक खड़े हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। हमारे सामने ही सामने एम्बुलेंस गाड़ियाँ कम से कम अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों से आ रही हैं, विद इन 10 मिनट में निपट के चले जा रही हैं। मुक्तिधाम में जो घुसने की जगह है, वहाँ पर जो ऊपर जगह बनी है, वहाँ पर उनको प्राइवेट में जगह दी जा रही है। और जो इकट्ठी गाड़ियाँ आई हैं, अभी 3 गाड़ियाँ मेडिकल से आई हैं, उनके लिए बाहर जो जंगल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर सब गाड़ियाँ इकट्ठी करके बाद में जलाई जाएंगी। अभी तक सुबह 6 बजे से घर से निकले हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा प्रोत्साहन नहीं समझ में आ रहा है कि और कितना समय लगेगा। अभी भी आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पर प्राइवेट वाली, आप देख सकते हैं उसको मेरे सामने ही सामने। कहने का मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल की गाड़ियों से मरीज आ रहे हैं उनको तत्काल अंतिम संस्कार कर दिया। बिल्कुल, अभी आप देख भी सकते हैं, उनका वीडियो भी ले सकते हैं सामने, मेरे सामने ही सामने सुबेरे से 20-25 गाड़ियां जा चुकी हैं जिस समय से मैं यहां आया हूं। 3 घंटे से मेरे सामने पता नहीं कितनी गाड़ियां गई हैं और अभी भी आपके सामने गाड़ी खड़ी है, उसको देख सकते हैं जाकर। मतलब सीधी बात थी, जिंदा थे तो जिंदगी के लिए परेशान थे, मर गए तो जलने के लिए परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है या तो उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए, आपका नाम बताएं। कोरोना दर पे मृत्यु होने वाली कुछ जिनको आपने यहाँ चौहानी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया, उसका 15 तारीख को 49 है, ये आपके सामने जो निकाला था 49 जी हाँ, और 16 तारीख को 47 जी, और 17 का, 17 का तो अभी लगभग अभी कितनी, मेरे हिसाब से मेरे 3 गाड़ियों में लगभग 20 लाशें मैंने देखी है अभी कोरोना मृत व्यक्तियों की। हाँ, अभी आ चुकी हैं, आ चुकी हैं और भी आने वाली है। अब अभी जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाती हम लोग पहुँचते जाते हैं। सरकार को कोरोना मृत व्यक्तियों के चौहानी शमशान घाट में जो आंकड़े बताए जाते हैं वो आप बता रहे हैं, सरकार अपने मन से जनरेट कर रही है?
नहीं, ये जो रजिस्टर ये लोग एंट्री करते हैं, अब अभी तो आपने देखा होगा एंट्री कर रहे थे ये लोग बैठ के, तो फिर इनके पास कंट्रोल रूम से फोन आता है, ये उस चीज की पूरी जानकारी देते हैं। तो कंट्रोल रूम पे ये पूरे अगर 50 यहाँ व्यक्ति को जलाएगा तो उसकी जानकारी दे रहे हैं? हाँ देते हैं। 10 व्यक्ति को जलाए तो जानकारी दे रहे हैं? अब वो तो 100 व्यक्ति को जलाए तो जानकारी दे रहा है या 1 व्यक्ति को जलाए तो जानकारी दे रहा है? जानकारी तो देते, लेकिन रोज आंकड़े कम आ रहे हैं। अब ये तो कंट्रोल रूम वाले बता सकते हैं। आपका नाम? आपका नाम मनोज कुमार। क्या है, आप क्या करते हैं यहाँ? सुपरवाइजर। यहाँ संबंधित एसडीएम तहसीलदार कौन है? ये मनेंद्र सिंह जी। वो कभी आते हैं यहाँ देखने? हाँ डेली डेली आते हैं। डेली आते हैं, ठीक है, धन्यवाद। बड़े भाई मेडिकल में एडमिट हुए, 2 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई, कल रात में उनकी मृत्यु हो गई। हम यहाँ उनका अंतिम संस्कार क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ चौहानी शमशान घाट करने पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक नारा दिया है कि आपदा को अवसर में कैसा बदला जाए, उसको चरितार्थ करते हुए यहाँ पर हमारे चौहानी शमशान घाट में देखा जा रहा है कि एक तो लकड़ी का चार्ज जो है, उसके अलावा फिर अलग से सर्विस चार्ज, और फिर 100 रुपये अलग से चार्ज इस बात के लिए जा रहे हैं कि भैया चाय नाश्ता का। ये हमारे यहाँ जो दुखी परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या इनके यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ कि आप उनसे चाय नाश्ता के लिए पैसा मांगे? कोई खुशी? ये सर में सार करने वाली हरकत है। मैं शासन प्रशासन जिलाध्यक्ष महोदय और कमिश्नर महोदय को चेताना चाहता हूँ और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी चल रहा है ये उचित नहीं है, मानवता के विरुद्ध है, अभी भी चेत जाए, अन्यथा बहुत आपको भी पछताना पड़ेगा। निश्चित मृत्यु हर घर में अपना नृत्य करती है, आपके साथ भी ऐसा अवसर आ सकता है। मेरा आपसे बार बार आग्रह है कि ये पीड़ित पक्ष बेचारे कितने दिनों से परेशान हैं और आज उन्हें एक जिंदा आदमी की जगह एक लाश मिली है और लाश के साथ इस तरीके का बर्ताव करना और परिजन दुखी परिवार के साथ ये बर्ताव करना इंसानियत के बाहर। किस किस तरह के चार्जेस ले रहे हैं ये लोग? ये 2100 रुपये लकड़ी का ले रहे हैं, उसके बाद 300 रुपये जलाने का चार्ज ले रहे हैं, और फिर 100 रुपये उन बच्चों का, लड़कों का जो काम करेंगे उनको चाय नाश्ता के लिए दिया। हर किसी व्यक्ति से ले? हर किसी के। अब एक साथ यहाँ पे 26 चिताएं, ये आपका कैमरा यहाँ घूमेगा देखेगा, छब्बीस तो भैया जी के 26 बार के चाय नाश्ता करेगा कि प्रति 100 के हिसाब से चाय नाश्ता किया जाएगा? या प्रति व्यक्ति 300 रुपये जलाने का ले रहे हैं? 300 रुपये प्रति व्यक्ति ले जा रहा है। तो भाई आप तो एक ही बार में सब कुछ कर रहे हैं कि ये बार बार ये आप अलग अलग चार्ज करने का कहीं से भी कोई नियम नहीं है और ना कोई ये है। जो अंधेरगर्दी जो मची हुई है, मैं इसमें जिलाध्यक्ष और कमिश्नर साहब को कहना चाहूँगा और कल उनसे व्यक्तिगत मिलकर इस बात पे रोक लगाने के लिए उनसे आग्रह करूँगा, और अगर आग्रह नहीं होता है तो हम सामूहिक रूप से अपनी पार्टी की तरफ से इस मामले के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे। प्रदीप मुन्ना बैन, श्री सिद्धवा अवार्ड से पार्षद।